ये फर्स्ट ईयर आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनसीईआरटी। ये रिवीजन के तौर पर एनसीईआरटी लिया है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। मैं अभी आपको क्वेश्चन बताऊंगी, पहले आपको इस बारे में रिवीजन करवाती हूँ। एनसीईआरटी जो है इसका फुल फॉर्म आता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फर्स्ट फर्स्ट लेटर देखिए, एन फॉर नेशनल, सी फॉर काउंसिल ऑफ, ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च एंड टी फॉर ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत जो हिंदी में आता है वो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, नाम से ही सब पता चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो स्थापना हुई थी वो 1 सितंबर 1961 में हुई थी। 1 सितंबर को उससे पहले ही लोगों के दिमाग में क्या आया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी उन्नति करने के लिए, या फिर यूं कहूं कि उसकी गुणात्मक वृद्धि करने के लिए देश ने एक समिति का गठन किया जो 1961 में किया। इस एनसीईआरटी का काम था नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर शिक्षा में गुणवत्ता लाना, जहां पर भी है, चाहे वो स्कूलिंग हो, स्कूलिंग में भी चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की ही क्यों ना हो, लेकिन जहां भी नेशनल की बात होगी और जहां शिक्षा आएगी वहां पर हम ये सारी चीजें पर गौर करेंगे। लेकिन इनका जो ढांचा था उसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप उसके उद्देश्य देखें, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले इंसान देखता है कि मैं वो काम क्यों करूँ, मेरा उद्देश्य क्या है उसके पीछे। इनके उद्देश्य बहुत सारे थे, मतलब अभी मैं अगर एक साथ बताऊं तो भी कम पड़ेगा समय। इतने सारे इन्होंने उद्देश्य रखे सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल पर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। इन्होंने जो किया, देखो एक सबसे पहले आपसे रिलेटेड एक बात बताऊं, एनसीटीई, आपको सबको पता होगा एनसीटीई। एनसीटीई जो है वो नेशनल काउंसिल है टीचर्स के लिए, टीचर्स की एजुकेशन के लिए। तो जो लोग सेवा पूर्व होते हैं या सेवाकालीन लोग होते हैं उनके लिए इन्होंने प्रशिक्षण की व्यवस्था की, ताकि वो लोग निर्देशिका के द्वारा इसको समझ सके। जो पाठ्यक्रम में बदलाव ये करते हैं कक्षा के अनुसार, उसको ये समझ सके और उसको क्रियान्वित करने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। सबसे पहला उद्देश्य ये था। जितनी भी निरीक्षण हो रहे हैं उनका सर्वेक्षण करके उसका निष्कर्ष निकालते थे, और अगर उसकी कोई कमी है उस ढांचे में तो उस ढांचे को सुधार करके वापस उसको क्रियान्वित करते थे। अब एनसीईआरटी का जो काम था वो सिर्फ अकेले नहीं कर रहा था, पूरी एक इनकी संरचना बनाई गई थी वो कर रही थी। यहाँ तक कि एनसीईआरटी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी शैक्षिक गतिविधियों के कार्यक्रम हो रहे थे उनका अवलोकन भी करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, इनके स्तर पर भी जो कार्य हो रहे थे शैक्षिक गतिविधियों संबंधित, उन पर भी नजर रखते थे और फिर उसमें सुधार करके भारत में भी लाते थे। और जितना भी करिकुलम है उसका ढांचा है, चाहे वो शिक्षण विधियों को लेकर हो, चाहे वो मूल्यांकन से लेकर लेकर के हो, पाठ्यक्रम को लेकर के हो, उसको क्रियान्वित करना, उसमें सुधार लाना और आगे स्तर पर स्तर उसको बढ़ावा देना, सारा काम एनसीईआरटी का ही था। ये काम जो था पूरी संरचना मिलकर करती है। इस संरचना पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, महापरिषद और कार्यकारिणी समिति दो हिस्सों के अंतर्गत ये टूटी हुई है। पहला जो है महापरिषद, इसमें देखिए शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। शिक्षा मंत्री भी कहाँ का, जो सेंट्रल एमएचआरडी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो होता है उसका भी शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। वो उनके सदस्य को पदेन करेगा, मतलब उनको सेलेक्ट करता है पदेन को और उपपदेन को। अब देखिए सदस्य जो है वो राज्य व केंद्र जितने भी सदस्य होंगे, अब उनकी लिस्ट है अध्यक्ष को छोड़ करके, जितने भी सदस्य हैं वो है राज्य, मतलब जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है उनके सबके शिक्षा मंत्री इनके सदस्य होते थे। और एक यूजीसी, क्योंकि ये विश्वविद्यालय स्तर पर भी काम करता था, उसमें सुधार लाना, उसकी विधियों में सुधार लाना, उसका पाठ्यक्रम में सुधार लाना, गुणवत्ता वृद्धि करना, वो सारा काम इनका था। इस वजह से यूजीसी का जो पदेन वो होगा, कुलपति होगा, वो इनका सदस्य होता था। अनुदान आयोग जो है वो मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूजीसी है, यूजीसी के अध्यक्ष है। और जो विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे यानी कि जो डीन होंगे वो भी इसके सदस्य होते हैं। दूसरी तरफ देखिए कार्यकारिणी समिति, यानी कि जो चीजें डिसाइड होने के बाद में जो काम आगे की तरफ बढ़ेगा, जो कमेटी उसको बढ़ाएगी, उसमें देखिए केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय के जो मंत्री होंगे वो पदेन अध्यक्ष इसके होंगे। फिर पदेन इसका उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं जो होते हैं राज्य मंत्री। फिर आता है यूजीसी के अध्यक्ष, सेम जो इनके होंगे वो होंगे।
और निर्देशक भी होते हैं। ये सारे जो हैं कार्य को संभालते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी जो है उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए, कम नंबर में आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है इसका संरचना जो है ये किस प्रकार कार्य करती है एनसीईआरटी राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो आता है जो हाल फिलहाल 2018 में ही आया है, जो क्वेश्चन आता है अपने इसके उद्देश्यों के बारे में कि एनसीईआरटी के शिक्षा के बारे में लेकर के, शिक्षा के विषय में लेकर के क्या उद्देश्य है एनसीईआरटी के, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं तीनों क्वेश्चन अभी आपको लिख के देती हूँ पॉज कर। अब इनके उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं एनसीईआरटी के, कि इनके उद्देश्य क्या थे। थे तो बहुत सारे, लेकिन कुछ जो चुनिंदा है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला जो है अनुसंधान कार्य करना, यानी कि जितना भी रिसर्च कार्य सभी में, मतलब सिर्फ साइंस को लेकर के रिसर्च कार्य नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में रिसर्च कार्य को बढ़ोतरी देना, उसमें सहयोग प्रदान करना। अगर उसमें प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करनी है स्कूलों को या विश्वविद्यालय को, तो भी एनसीईआरटी उसको उपलब्ध करवाता था। उसमें कोई कमी रहेगी तो भी वो एक सलाहकार के रूप में सलाह देता है। अब उनको प्रोत्साहन करना, आगे बढ़ाना, सहायता देना किसी भी तरह के विश्वविद्यालयों के, चाहे वो उपकरण ही क्यों ना हो, और चाहे उनके लिए एक सलाहकार के रूप में एक अध्यापक को रखा जाए। फिर दूसरा जो आता है वह सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना, जितने भी अध्यापक हैं उनको जो समय समय पर उनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जैसे ही पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो, और अगर कोई चीज उसमें ऐड भी की जा रही है तो भी उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है सभी अध्यापकों को। फिर आता है जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो शैक्षिक स्तर पर हो, शैक्षिक स्तर में भी प्राइमरी स्कूल पर इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था शुरुआत में, फिर धीरे धीरे ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक बढ़ते चले गए। जब हमारे यहाँ संविधान की 45 जो धारा आई थी उसमें जो शिक्षा देने का जो प्रस्ताव आया था उसमें आया था कि जितनी भी 14 साल के बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, और उसमें एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा है। उस वक्त इन्होंने कहा कि शिक्षा के अंदर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनका आयोजन किया जाए, बालकों को जगह जगह जाकर के शिक्षा दी जाए, और नजदीक 1 किलोमीटर के आसपास गाँव में भी स्कूल खोले जाएं ताकि सभी के लिए शिक्षा प्रदान हो सके, दी जा सके। फिर आता है मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन की विधियां अलग अलग इन्होंने दी, जिसके तहत बालकों का समय समय पर मूल्यांकन हो सके और उनकी शिक्षा में वृद्धि हो सके। फिर आता है उसका अध्ययन किस प्रकार करवाना है, उसके लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है, पुस्तकें कौन सी होनी चाहिए और वो भी अवेलेबल बच्चों को करवाना। अन्वेक्षण है और सर्वेक्षण, सर्वे करवाते हैं और उस पर अवलोकन भी करते हैं, सुपरवाइज करते हैं उनको। एनसीटी जो भी मैंने आपको बताया, एनसीटी और शैक्षिक नवाचारों के लिए भी इन्होंने कार्य किया, तो उनके लिए एक सलाहकार, एक सचिवालय के रूप में इन्होंने काम किया। फिर आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बहुत अहम चीज है जिसमें इन्होंने एक सलाहकार के रूप में ये काम करते हैं। अगर शैक्षिक किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो उसमें एक सलाहकार के रूप में एनसीईआरटी काम करता है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक बार फंडा को समझ लिया जाए, उद्देश्य खूब सारे हैं। तो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी पर लेख लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनसीईआरटी, जितना आप जानते हैं इसकी स्थापना के बारे में, क्यों इसकी स्थापना की गई, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने क्या काम किए। सेकंड चीज आता है इसके जो शिक्षा का विस्तार है ये किस प्रकार कैसे करते हैं, तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो हम संरचना से लेंगे, इसकी जो संरचना या इसका जो संगठन है वो किस तरीके से कार्य करता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसके सदस्य कितने होते हैं, इस चीज में बड़ा क्वेश्चन संरचना पर आ सकता है। एनसीईआरटी के उद्देश्य जो है उनके विषय में लिखें, तो 2 नंबर में आता है, तो इसमें आप उद्देश्य जो है जितने हो सकता है ये है, और भी बहुत सारी है जिनमें अपन लेते हैं, उनके अनुसंधान के रूप में, उनके प्रशिक्षण के रूप में, और साथ में नवाचारों को लेकर के या फिर गुणात्मक वृद्धि को लेकर के, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। आप उद्देश्यों में ये सारे उद्देश्य मिला करके लिख सकते हैं, ये आपका एक रिविजन है और आपको ये असाइनमेंट के रूप में इन क्वेश्चन को कम्प्लीट करके रखना है। हैव अ नाइस डे।